हाय एवरीवन। सो फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग बहुत सारा डाउट्स आ रहा था मेरे पास, तो आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको NITs, IIITs, JFTs में फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। NIT दुर्गापुर का एग्जाम्पल मैं लेके आपको समझा दूंगा, तो सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो NIT दुर्गापुर में क्या प्रोसेस है कि आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग पहले करना है, उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है हॉस्टल के लिए। तो पहले आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग का कैसे प्रोसेस है वो मैं समझाऊंगा। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग कब है? ऑनलाइन रिपोर्टिंग है कल से, यानी 11th अगस्त से 14th अगस्त तक, स्टार्ट फ्रॉम 11 AM 11/8/2024। तो कल सुबह के 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस। एंड ऑनलाइन एडमिशन के प्रोसेस के लिए फर्स्ट स्टेप है फी पेमेंट। सो किसको कितना फीस पेमेंट करना आप देख सकते हैं। SC ST PWD को 11,100 फीस पेमेंट करने, फीस टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू NIT दुर्गापुर। एंड अगर आप एक जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट है, आपने अराउंड 75,000 पहले पे कर चुके थे SAF प्लस PF मिला के, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना नहीं है। अगर आपका फैमिली इनकम बिलो 1 लाख है, एंड अगर आपका फैमिली इनकम 1 to 5 लाख है, तो आपको भी कुछ नहीं देना है, उल्टा आपको रिफंड मिलेगा। जैसे जिनका बिलो 1 लाख है उनको 31,400 रुपीज रिफंड मिलेगा बाई नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर खत्म होने तक आपको रिफंड मिल जाएगा। एंड जिनका 1 to 5 लाख है उनको रिफंड मिलेगा 10,566। एंड जिनका अबव 5 लाख है उनको कुछ रेमिशन नहीं मिलता है, तो आपको देना पड़ेगा 31,100। बेसिकली 100% रेमिशन मिल जाता है बिलो 1 लाख में। एंड 1 to 5 लाख के लिए आपको 2/3 रेमिशन मिल जाता है, तो आपको सिर्फ 1/3 फीस देना है, इसलिए इधर नील है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 75,000 पेमेंट कर चुके। जैसे आप देख सकते हैं कितना किसका चार्ज है। अदर चार्जेस बस फर्स्ट सेम में ही लगते हैं, ये नेक्स्ट ईयर से नहीं लगेगा। तो 43,600 अभी वन टाइम पेमेंट करना है। इसके अलावा ट्यूशन फी है 62,500, सो उसका 1/3 सिर्फ आपको देना है। अगर आपका फैमिली इनकम 1 to 5 है तो 20,834, एंड पूरा देना है अगर आपका 5 लाख के ऊपर है। एंड जिनका बिलो 1 लाख है उनके लिए ट्यूशन फी नील है, आपको बस अदर चार्जेस देना है। तो इसलिए आपको बाकी के अमाउंट रिफंड मिल जाएगा बाय नेक्स्ट ईयर। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर मई में आपको रिफंड मिल जाएगा। सो आई थिंक आप समझ गए, SC ST PWD कैंडिडेट्स को इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एंड जेनरल EWS OBC में अगर आपको फी रेमिशन चाहिए, तो आपके लिए मैंडेटरी है, इनकम सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा। एंड अगर आप नहीं चाहते फी रेमिशन आपका अबव 5 लाख है, तो आपके लिए नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड इनकम सर्टिफिकेट इन दैट केस। एंड SC ST PWD के लिए भी नहीं चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं फीस ये फर्स्ट पेज पे मेंशन है पूरा, आप देख सकते हैं। ये PDF आपको मेरा टेलीग्राम चैनल गौरव पर मिल जाएगा, उधर मैं डाल दूंगा, तो उधर से आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो NIT दुर्गापुर का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी सब कुछ मेंशन है। सो फर्स्ट स्टेप है फी पेमेंट, को करना है कर लेना। उसके बाद आपको करना है डॉक्यूमेंट अरेंज, तो सारा डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेना पहले, उसके बाद अपलोड करने का क्या प्रोसेस है मैं बताऊंगा। तो सेकेंड स्टेप है आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ध्यान से देखिए। रिसेंट फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और प्रूफ इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसमें आप क्लास 10 का एडमिट कार्ड अपलोड कर सकते हैं, बस उधर आपका डेट ऑफ बर्थ सही से मेंशन होना चाहिए, क्लास 10 का एडमिट कार्ड या क्लास 10 का रिजल्ट जो भी आपके पास है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो अपलोड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आपने दोसा में अपलोड किए थे, इधर भी आप अपलोड कर सकते हैं आपका क्लास 10 का एडमिट कार्ड या रिजल्ट। उसके बाद फोटो आईडी प्रूफ एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, सो मैं रिकमेंड करूंगा आधार कार्ड अपलोड कर देना। इसके बाद आपका जेई मेंस का स्कोर कार्ड आपको अपलोड करना है, फाइनल जो मिला था जिसमें रैंक मेंशन है। उसके बाद फाइनल प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, मतलब जो आपको सीसैप राउंड 2 के बाद मिला था, अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट करे थे। एंड बाकी लोगों के लिए जो लोग सिर्फ जोसा में पार्टिसिपेट करते, जोसा राउंड 5 के बाद आपको जो मिला था। इसके बाद आपको क्लास 12th का रिजल्ट सबमिट करना है। इसके बाद माइग्रेशन और स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट यूनिवर्सिटी अटेंडेड। सो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया क्या गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो नहीं चाहिए, गैप ईयर सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड इन NIT दुर्गापुर। आपके पास बस फुल लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, जैसे मैं पहले NIT आंध्र प्रदेश में पढ़ता था, तो उस कॉलेज का आपको TC होना चाहिए। एंड नहीं तो अगर आप स्कूल से आ रहे हैं, तो आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास अभी नहीं है, तो 1 महीने तक आपको टाइम मिल जाएगा। बेसिकली वेस्ट बंगाल बोर्ड स्टूडेंट्स को आई थिंक नहीं मिलता है स्कूल से, तो उनको अलग से अप्लाई करना पड़ता है। बाकी लोगों को ISC एंड CBSE को जनरली मिल जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ISC का तो पता है मुझे मिल गया था स्कूल से ही, तो ये आप अरेंज कर लेना, ये आपको सबमिट करना है। इसके बाद जो लोग कैटेगरी स्टूडेंट है, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना है जो आप जो समय सबमिट किए थे EWS OBC SC ST के लिए। उसके बाद PWD सर्टिफिकेट जो लोग PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको फैमिली इनकम सबमिट करना है, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट ऑफ द फैमिली इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो SDO से आप बना सकते हैं, यही सबसे ईजी वे है। तो उसमें आपका मेंशन होना चाहिए एनुअल इनकम कितना है। अभी वेस्ट बंगाल में सिर्फ मंथली इनकम मिल रहा है, तो आपको एक बार कॉलेज से कांटेक्ट कर लेना, कॉलेज में पूछ लेना कि चलेगा या नहीं। तो उस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि मंथली इनकम चलेगा या नहीं।
उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा एंटी रैगिंग एफिडेविट। तो ये कैसे बनाने पूरा एंटायर प्रोसेस मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था लास्ट ईयर, सो ये वीडियो चेक कर लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, वो पीडीएफ डाउनलोड करके आपको प्रिंट करा लेना है। उसके बाद आपको एक जगह मिलेगा नीचे वेरीफाइड एट, तो इधर आपको दुर्गापुर लिखना है, जो लोगों को जो कॉलेज मिले वो आपको लिखना है, बेसिकली कॉलेज का प्लेस आपको उधर लिखना है, एंड उसके साथ सिग्नेचर एंड डेट आपका भी एंड आपका पेरेंट का दूसरा पेज में। तो ये आपको कर लेना एंटी रैगिंग एफिडेविट, पूरा देख लेना वीडियो, जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए ऑल प्रूफ्स ऑफ पेमेंट इन अ सिंगल पीडीएफ, सो आपको सारा प्रूफ मिल जाएगा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर में, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको सीसैप राउंड 2 के बाद मिला होगा या फिर जोसा राउंड 5 के बाद मिला होगा, तो वो आपको डाउनलोड कर लेना, उधर सारा प्रूफ ऑफ पेमेंट एक साथ आपको मिल जाएगा, कोई स्क्रीनशॉट उठाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट एंड हिज हर पेरेंट, सो अंडरटेकिंग इधर दिया हुआ है, तो ये दोनों आपको प्रिंट करा के फिल कर लेना है, इधर आपका गार्जियन एंड इधर आपका सिग्नेचर चाहिए होगा विद डेट, तो ये प्रिंट करा के आपको लेके जाना है। एंड इसके साथ आपको बैंक पासबुक फर्स्ट पेज का कॉपी या फिर क्रॉस बैंक चेक चाहिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को रिफंड मिलेगा इसी अकाउंट में आपको रिफंड मिल जाएगा, जो भी अकाउंट आप देंगे उसमें आपको रिफंड मिल जाएगा, जो सच हिसाब से अलग अकाउंट हो सकता है बट जो भी अकाउंट आप देंगे उसमें आपको रिफंड आएगा बेसिकली। इसके बाद आपको चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आपने जोसा एंड सीसैप में सबमिट किए थे वहीं वाला मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल कॉपी आपको आप चाहिए होगा, जो आपने डॉक्टर से साइन करवाया हो। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स, सो बेसिकली सेकेंड स्टेप है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज कर लेना। इसके बाद आपको लिंक मिलेगा, कौन सा लिंक है तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है लिंक, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। यह है स्टेप 3 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप, यही है 11 अगस्त सुबह 10 बजे से ये एक्टिव होगा, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा, इधर आपको एडमिशन फॉर बीटेक सिलेक्ट करना है, अपना जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, उसके बाद आपको सबमिट करना है। सो सबमिट करने के बाद आपको एक लिस्ट मिल जाएगा पूरा 10 से 11 डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, बेसिकली इधर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो मेंशन करके इधर एक लिस्ट होगा। सो जैसे आप जोसा में अपलोड करते थे ना पीडीएफ, वैसे ही सिमिलर वे में इधर आपको अपलोड कर देना, पूरा लिस्ट होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एंड उसके बगल में चूज फाइल का ऑप्शन होगा, तो चूज फाइल करके सारा पीडीएफ आप अपलोड कर देना एक एक करके। तो अपलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सबमिट कर देना, कुछ ऐसा नहीं है कॉम्प्लेक्स चीज, आपको बस ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेना सही से। अगर आप सही से डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेंगे तो बाकी प्रोसेस इजी है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है एंड उसके 2-3 घंटे के अंदर आपको मेल मिल जाएगा कॉलेज से कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है एंड आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपका फर्स्ट ईयर का रोल नंबर दोनों ही चीज मेंशन है। फर्स्ट ईयर में बेसिकली रैंडमली अरेंज होते हैं, ब्रांच वाइज नहीं होता है फर्स्ट ईयर, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ईयर में बेसिकली 8 सेक्शन होगा जिसमें हर एक सेक्शन में हर एक ब्रांच का स्टूडेंट होगा, सो रोल नंबर रैंडमली अरेंज होता है, तो सेक्शन वाइज आप डिवाइड हो जाएंगे। फिर सेकेंड ईयर से आपको ब्रांच वाइज सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर ये 3 साल आप ब्रांच वाइज पढ़ेंगे आपके ब्रांच के स्टूडेंट्स के साथ ही। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो ये ऑफिशियल नंबर से इतने सारे नंबर से 10 से 5 बजे के बीच में आपका जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं इधर, नहीं तो मुझे टेलीग्राम में पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, बट पहले आपका नेम ब्रांच एंड स्टेट मेंशन कर देना। तो इसका रीजन है टेलीग्राम में मेरा पूरा डीएम्स भरा हुआ रहता है तो मुझे ढूंढने में आसानी होता है, तो इसलिए आप एनआईटी दुर्गापुर मेंशन कर देना जब भी आप डाउट पूछ रहे हो, तो मैं आपको ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का क्योंकि बहुत सारा डीएम्स आता है मेरे पास। सो अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ट्राई करूंगा सबको हेल्प कर देने के लिए। सो बेसिकली स्टेप 4 है सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सो उसके बाद आपके पास मेल आ जाएगा एंड आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इसके बाद हॉस्टल रिपोर्टिंग कैसे करना है, कैसे अलॉटमेंट होता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। तो बेसिकली ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, बाकी ये सारा चीज आप पढ़ सकते हैं, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा तो उधर से आप पढ़ सकते हैं, इधर एफएक्यू भी मेंशन है, तो अगर आपको कोई इंजीनियरिंग डाउट है तो इधर से आपका क्लियर हो जाएगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप हॉस्टल अलॉटमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में बात करते हैं, तो पहले आपको एकोमोडेशन कैसे मिलेगा। एनआईटी दुर्गापुर में आपको बेसिकली 3 सीटर रूम मिलेगा फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, सो अलॉटमेंट ऑफ रूम रैंडम होता है। अगर आपका कोई दोस्त है तो दोनों एक साथ रिपोर्टिंग करिए तो आपको सेम रूम मिल जाएगा, बस मैनेजर को आपको बोलना है कि आपको सेम रूम चाहिए तो सेम रूम आपको दे दिया जाएगा। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स रिपोर्ट करते हैं उस ऑर्डर में आपको मिल जाता है रूम, तो रैंडम होता है बेसिकली, वैसे रोल नंबर वाइज कुछ नहीं होता है। उसके बाद हॉस्टल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये आगे मैं बताऊंगा, एंड ये आपको ध्यान रखना है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। सो एडमिशन लेटर या एनरोलमेंट लेटर इशूड बाई एनआईटी दुर्गापुर, सो जब आप एनआईटी दुर्गापुर का ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको ये एडमिशन लेटर या एनरोलमेंट लेटर मिल रहा होगा एनआईटी दुर्गापुर से। तो इसलिए मैं बोला पहले आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट करना है, मेंस फीस आपको बाद में देना है, आपको रिपोर्टिंग करना है 16 से 18 अगस्त के बीच में, तो उससे पहले आपको बहुत टाइम है, आपका क्लास स्टार्ट होगा 19 अगस्त से। सो पहले आपको ऑनलाइन एनरोलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करना है, उसके बाद आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो हॉस्टल में, तो इसलिए ये आपको चाहिए होगा। इसके साथ आपको फोटो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, तो आपको आधार कार्ड बेसिकली चाहिए होगा,
इसके बाद पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ 6 आपको चाहिए है, तो बहुत सारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके आने, मिनिमम 10 आप लेके आइए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसके बाद पर्सनल डेटा फॉर्म, ये नीचे आपको दिख जाएगा पर्सनल डेटा फॉर्म हॉस्टल रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो नीचे आपको दिखा देता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं पर्सनल डेटा फॉर्म, ये आपको प्रिंट आउट करके फिल कर लेना, आपका रिसेंट फोटोग्राफ एंड सारा कुछ आप भर देना इधर। इसके बाद आपको हॉस्टल रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए 3 पेज आपको प्रिंट करनी है, फर्स्ट पेज, इसके बाद सेकंड एंड थर्ड, ये तो ये 3 पेज आपको प्रिंट करना है। इसके साथ आपको गार्जियन का सिग्नेचर होना चाहिए एंड आपका भी सिग्नेचर इधर चाहिए होगा एंड सारा कुछ भर लेना, बाकी बेसिक डिटेल्स है। एंड नीचे फीस आप देख सकते हैं 5,000 है बेसिकली हॉस्टल का एंड मेस का 19,000 फॉर वन सेमेस्टर, बेसिकली 24,000 है गर्ल्स के लिए एंड बॉयज़ के लिए भी सेम 24,000 है। एंड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है बेसिकली उनके लिए 5,000 है हॉस्टल कॉशन मनी एंड मेस एडवांस उनका कुछ नहीं है, उनके लिए कैंटीन सिस्टम है तो डेली बेसिस पे पेमेंट करके जो भी खाना है खा सकते हैं एंड बाकी के लिए आपको मेस फीस एंड हॉस्टल कॉशन मनी कंपलसरी 24,000 आपको पेमेंट करना ही है। सो हॉस्टल में रहना कंपलसरी है जैसे आप देख सकते हैं FAQ में, तो हॉस्टल एकोमोडेशन कंपलसरी है फर्स्ट ईयर के लिए। इसके बाद आपको पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है हॉस्टल मेस का वो मैं आगे बताऊंगा एंड बाकी ये जो मैंने बोला ये सारा प्रिंट आउट करके इसको फिल कर लेना है। इसके साथ आपको क्लियर फोटोकॉपी ऑफ कैंसिल चेक और क्लियर फोटोकॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक, तो इसी अकाउंट में आपका मेस का भी रिफंड आता है कुछ बाद में, तो ये अकाउंट में आपका रिफंड आ रहा होगा। फीस पेमेंट अगर आप करेंगे तो आपका मेस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो हॉस्टल के लिए फर्स्ट स्टेप है आपको बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेना है, इसके बाद आपको हॉस्टल के लिए ये पेमेंट करना है। कैसे करना है आप देख सकते हैं, पहले आपको SBI ई कलेक्ट करके वेबसाइट है तो उस वेबसाइट में आपको जाना है SBI ई कलेक्ट जैसे मैंने बोला। उसके बाद आपको कैटेगरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है, तो बेसिकली इस वेबसाइट पे इंडिया के हर एक कॉलेज का हॉस्टल मेस एंड कॉलेज फीस पेमेंट होता है, तो ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो इस वेबसाइट में जाकर आप कैटेगरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको NIT दुर्गापुर ढूंढना है एंड NIT दुर्गापुर सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद आपको पेमेंट कैटेगरी में जाना है एंड पेमेंट कैटेगरी में हॉस्टल सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए हॉल 10 या हॉल 11, गर्ल्स के लिए हॉल 10 एंड बॉयज के लिए हॉल 11 आपको सिलेक्ट करना है। सो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर आपको मिल रहा होगा आपके एडमिशन फॉर्म से, तो इसलिए मैंने बोला पहले आपको ऑनलाइन एनरोलमेंट कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर मिल जाएगा कॉलेज से, तो ये आपको भरना है एंड रूम नंबर की जगह आपको 000 मेंशन करना है, उसके बाद स्टूडेंट का मोबाइल नंबर एंड देन अगस्त टू दिसंबर 2024 ये आपको लिखना है इधर टाइप करके। आपको ध्यान रखना है इधर आपको कॉमा वगैरह अवॉइड कीजिए, नहीं तो ये वेबसाइट थोड़ा प्रॉब्लम करता है क्योंकि SBI का वेबसाइट है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है हर टाइम। इधर एड्रेस का भी कॉलम आएगा जब आप जाएंगे आपको दिख जाएगा, तो उसमें कॉमा एंड हाइफन अवॉइड करना है आपको एंड फीस आपको खुद एंटर करना है, ठीक है। सो इधर आपको बेसिकली 24,000 लिख देना है इस ब्लैंक में, तो टोटल आपको 24,000 आप पेमेंट कर ले हॉस्टल कॉशन मनी एंड मेस मिला के। उसके बाद आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, अपना नाम डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। उसके बाद एक कैप्चा आएगा वो एंटर कर देना है, उसके बाद क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट एंड देन आपको कंप्लीट पेमेंट जैसे मैंने बोला आप उस वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां से आप SAPF पेमेंट करते थे, SBI ई कलेक्ट का ही वेबसाइट है वो, सो उधर आपको कंप्लीट कर लेना है पेमेंट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है रिसिप्ट का प्रिंट आउट कर लेना, ये रिसिप्ट आपको हॉस्टल रजिस्ट्रेशन के टाइम चाहिए होगा, ये रिसिप्ट के बिना आपको रूम अलॉट नहीं होगा, तो पेमेंट का रिसिप्ट आपको सबमिट कर देना है एंड रूम नंबर की जगह आपको 000 लिख सकते हैं आप। एंड ये नोटिस बेसिकली अभी आपको नहीं चाहिए, ये अगर आप वीकेंड में घर जाना चाहते हैं, जैसे बहुत लोगों का घर पास में है तो वो लोग वीकेंड में घर जाना चाहते हैं, जब भी आप घर जाएंगे ये आपको सबमिट करना है हॉस्टल मैनेजर को। इसके साथ आपको एक एप्लीकेशन भी लिखना पड़ेगा कि क्यों आप घर जा रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, बेसिकली थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, सेकेंड ईयर से ये सब हट जाएगा, आप फ्रीली घूम सकते हैं कैंपस में। सो फर्स्ट ईयर में आपको काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है NIT दुर्गापुर में, तो ये आपको करना है जब भी आप घर जाएंगे एंड बाकी आई थिंक हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, पूरा काउंसलिंग मैं चाहिए कि आपका जितना हेल्प कर पाओ। सो अगर आपका मैं कुछ भी हेल्प कर पाया हूं तो मेरा चैनल को अपने जूनियर्स को जरूर रिकमेंड कर देना JEE 2025 वालों के लिए, तो आगे कॉन्टेंट आता रहेगा एंड जिन लोगों को NIT दुर्गापुर मिल रहा है सो आ जाइए कॉलेज में, अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे आप पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कॉलेज आके, मैं ट्राई करूंगा आप मेरे जूनियर से जितना हेल्प कर पाओ। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए नहीं, बाय।